और आने वाले कुछ हफ्तों के लिए मैं पहला तस्लियों की पत्री और उसके पहले अध्याय के ऊपर हमारे इन मननों को रखना चाहता हूँ टूडे रीड चैप्टर वन वर्सेस फाइव टू टेन और इसलिए आज की सुबह हम पहला तस्लोंकियों की पत्री उसका पहला अध्याय पांचवें वचन से लेकर दसवें वचन तक पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुँचा है जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे यहाँ तक कि मकी दुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल मकी दुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोते रहो जिसने मरे हुओं में से जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया अर्थात यीशु की जो हमारे आने वाले आने वाले प्रकोप से बचाता है आमेन आमेन मे आवर हार्ट्स बी ब्लेस्ड बाय द रीडिंग एंड देन लिसनिंग टू फ्रॉम दिस पैसेज और होने दे हमारे हृदय आशीषित हो जाएं इस वचन के पढ़ने और सुनने के द्वारा नाउ इन दिस स्मॉल पैराग्राफ पॉल आउटलाइंस द three इन थ्री प्रोग्रेसिव Thessalonica. इन वचन के इस भाग में पॉलुस सुसमाचार के विषय में तीन भागों में बढ़ते हुए बताता है नंबर वन पहला भाग फाइव और पांचवें वचन में पॉलुस कहता है क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा नंबर टू यू वेलकम द मैसेज वर्स सिक्स और दूसरा तुमने बड़े कलेश में आनंद के संग उसका स्वागत किया एंड थ्री तीसरा भाग द गॉस्पल रैंग आउट फ्रॉम यू की एसट आठवां वचन ये सुसमाचार तुमसे फैलता चला गया सो द गॉस्पल केम टू यू और इसलिए वो वचन सुसमाचार तुम तक आया यू रिसीव इट और तुमने उसे आनंद से ग्रहण किया एंड यू पास इट ऑन और इसके बाद तुमने इसे फैलाया नाउ दिस सीक्वेंस इज गॉड्स मेथड ऑफ स्प्रेडिंग गोस्पल मैसेज और ये जो तरीका है ये परमेश्वर का तरीका या योजना है कि वो सुसमाचार को ऐसे फैलाए सो द फर्स्ट थिंग इज और इसलिए जो पहला भाग है। Paul says our gospel came to you कि in, हमारा इन फाइव पांचवे वचन में पॉल कहता है हमारा सुसमाचार तुम तक पहुंचा हाउ कैसे Of course, it did not come by itself. और ये तो सही है कि अपने आप वो सुसमाचार वहीं नहीं पहुंच सकता. It was not dropped suddenly from heaven. या अचानक से स्वर्ग से उस सुसमाचार को वहां नहीं टपकाया गया. And neither an angel brought it. और ना ही कोई स्वर्गदूत उस सुसमाचार को लेकर वहां पहुंचा. There are three servants of God involved. और तीन परमेश्वर के दास हैं जो वहाँ पर हैं पॉल पॉलुस थिमोथी, तिमोथियस एंड साइलस और सिलास दिस थ्री ब्रॉट द गॉस्पेल टू थेसलोनाइका और ये तीन परमेश्वर के प्रेरित तो या दासों ने सुसमाचार को थेसलोनिकियों की कलीसिया में लेकर के एंड बिफोर दे अराइव और इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचते थेसलोनियंस नेवर हर्ड द गॉस्पेल बिकॉज़ देयर वाज नो गोस्ट तब तक उन थेसलोनिका के नगर के लोगों ने सुसमाचार को कभी भी सुना नहीं था नो चर्च no और कोई कलिसिया वहाँ the और जब उन्होंने कलीसिया कलिसिया कोई बिफोर द लेफ्ट और इससे पहले वो कलीसिया को छोड़कर गए द चर्च और उस कलीसिया ने अपनी जड़ पकड़ ली थी द्लांटिंग ऑफ द चर्च वॉज द डायरेक्ट गॉस्पल और उस कलिसिया की वहां स्थापना होना ये परिणाम स्वरूप था उस सुसमाचार का जो बड़ी सीधी रीति से इन प्रो ने प्रचार किया हाउसिंग ऑफ द गॉस्पल और कैसे सुसमाचार का प्रचार उस नगर में किया गया To the Thessalonians. और चार ऐसे शब्द हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे के नगर में उस समाचार को लेके गया गया या प्रचार किया गया नंबर वन पहला शब्द शब्दों के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल द गॉस्पल वॉज प्रेजेंटेड टू दम इन वर्ड पहले रूप से वो सुसमाचार शब्दों के द्वारा उनके समुख रखा गया नॉट ओनली इन वर्ड और न केवल शब्दों में

Words are important. और याद रखिए शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते They are हैं the building blocks of sentences और वो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं By which वी कम्युनिकेट और शब्द जुड़कर वाक्य बनाते हैं जिनके द्वारा हम वार्तालाप या बात करते हैं

और सुसमाचार का एक सिद्ध और एक खास संदेश है why, और इसी कारण मस्ट बी पूर्वक हमें सुनाइज और बड़े मौखिक रूप से बताना है एंड इट कैन ऑल्सो बी ड्रामेटाइज और इसे बड़े आप भावनाओं के संग भी व्यक्त कर सकते हैं बट इवन इन इमेजेस और यहाँ तक कि दृश्यों में भी दर्शाया जा सकता शब्दों के द्वारा ही अनुवाद करना है So, इसलिए in all our gospel presentation, हमारे सारे सुसमाचार प्रस्तुति में वे पब्लिक प्रीचिंग चाहे वो लोगों के सामने प्रचार हो प्राइवेट विटनेसिंग या आप अंतर्गत या किसी व्यक्तिगत रूप से प्रचार करते हैं वी मस्ट टेक द द ऑफ तब हमें वो कष्ट उठाना है कि हम सही शब्दों को प्रीचर्स नीड टू बी चुनेगर एंड ऑफ एंड कीन माइंड और प्रचारकों को परमेश्वर के मनुष्य बनना है परमेश्वर के लोग बनना है ताकि वो सही दिमाग के संग काम करें दे देर टू बी गुड स्टूडेंट्स Acquainted with words, और उन्हें अच्छे विद्यार्थियों के समान सही शब्दों से परिपक्व बनना है And the words that the of the और ऐसे शब्द जो उस समाचार के संदेश और अर्थ को बता सकेट और इसीलिए और इसीलिए ने तिमोथियस को यह निर्देश दिया study to prove yourselves to be a workman who need not to be ashamed कि अध्ययन कर विद्यार्थी बन ताकि एक ऐसा दास बनने पाए जिसे कोई साबित करने की कोई आवश्यकता ना हो। इज वेरी और इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है दैट द प्रीचर और समवन हु इज विटनेसिंग मस्ट बी थरो विद द नॉलेज ऑफ गॉड वर्ड एंड चूज द राइट वर्ड और इसलिए ये बड़ा आवश्यक है कि वो प्रचारक परमेश्वर के सही शब्दों से परिपक्व हो सो दल केम टू वेम इन एंड वर्ड्स और इसलिए वो सुसमाचार उनके पास शब्दों के साथ और शब्दों में पहुंचा सेकेंडली और दूसरा भाग द गॉस्पल ऑल्सो केम टू दिथ पावर और उन उनको के नगर के लोगों के पास ये सुसमाचार सामर्थ्य के संग पहुंचा वर्ड्स बाईस आर नॉट इनफ और याद रखिये शब्द अपने आप में काफी नहीं होते मिस अंडरस्टूड और दिसरिगार्डेड उन्हें गलत रीति से समझा जा सकता है या उनके प्रति कोई ध्यान भी नहीं देता सो वर्ड्स नीड टू बी एनफोर्स और इसलिए शब्दों को लागू करना पड़ता है दिस इज अ ग्रेटर नीड इन गॉस्पल कम्युनिकेशन और ये एक और बड़ी महत्वता है या आवश्यकता है सुसमाचार को बताने में बिकॉज द वर्ल्ड विथ ब्लाइंड क्यूँकी ये संसार जो अपने आत्मिक रूप से अंधकार में है अंधा है गॉस्पल वो उनके हृदय कठोर है वो इस सुाचार को सराहना नहीं करते दल प्रोक्लेम्ड इन ह्यूमन वीकनेस और वो सुसमाचार जो मानवीय कमजोरी में जिसकी घोषणा की जाती है मस्ट बी कन्फर्म्ड by divine power उस बात को हमें सुनिश्चित करना है उस स्वर्गीय सामर्थ्य के द्वारा And that is important। और ये महत्वपूर्ण है We are weak vessels। हम तो कमजोर हैं। But and so the message that goes forth

एक्सटर्नल म्यूरकल और यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक बाहरी रूप से चिन्ह और चमत्कार होने चाहिए लेकिन दूसरे हाथ पर एन इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द होली रूप से एक पवित्र आत्मा का चलन एक के जीवन में होना Because चाहिए क्योंकि उन शब्दों को मानवीय मन या हृदय के भीतर भेद करते जाना है। और उनके हृदयों में वास करना है इंटू एंड विल और उनकी इच्छा शक्ति और उनके अंदरीने व्यक्तित्व को भेदना है पावर ऑफ द सिर्फ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ही हमारी इच्छा शक्ति हमारे भीतरी व्यक्तित्व और हमारे मन को भेद सकती है Now, then, to the listeners, और इसलिए वे जो सुनते हैं It may seem the, the gospel preaching was powerful enough to penetrate वो सुसमाचार की घोषणा या सुसमाचार का प्रचार सामर्थ्य था जिस उनके हृदयों में भेदता हुआ चला Many गया कई बार हम इस बात को याद नहीं रखते that we are with हम इस मट्टी के घड़ों के समान हैं जिनके पास अपनी कमजोरियां हैं एंड सो वॉट हेल्प द गॉस्पल प्रीचिंग और कौन सी बात सुसमाचार के प्रचार में आवश्यकता या मदद करता है the power of the Holy spirit. वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ Now, God has married these two in an eternal union. और परमेश्वर ने इन दोनों बातों को एक अनंत सहभागिता में बांध दिया है Which are the two? वो कौन हैं दो His word. उसका वचन And his spirit. और उसकी आत्मा without the spirit, the word becomes uh, meaningless and ineffective. and the holy spirit may be there, but without word, the listeners Will not understand. और भले ही पवित्र आत्मा वहाँ मौजूद हो लेकिन अगर वचन नहीं होगा तो वो सुनने वाले समझ नहीं सकते Because the word is the spirit's sword. क्योंकि ये वचन ही है जो आत्मा का तलवार है So the spirit without the word is weaponless। और इसलिए ऐसी आत्मा जो वचन के बिना है वो शस्त्रहीन है उट द स्परिट इज पावर वो वचन जिसमें आत्मा नहीं आत्मा का सामर्थ्य नहीं वो भी सामर्थ्य रिपीटेड वन मोटाइम मैं एक बार फिर से इसे दोहराना चाहूंगा द स्पिरिट विथ आउट दर्ड इज Weaponless. और वो आत्मा जिसके जिसमें वचन नहीं जिसके पास वचन नहीं, वो शस्त्रहीन है। है। और वो वो वचन जिसमें आत्मा नहीं, वो है। so let everyone take it to heart. और होने दे हर एक अपने हृदय में इस बात को समझे द पावर एंड ऑफ द होली स्पिरिट

Holy Spirit of God, हे पवित्र आत्मा वी नीड यू हमें तेरी आवश्यकता है हमारा प्रचार करना या उस प्रचार को रखना अर्थहीन है। नहीं कम होली स्पिरिट और इसलिए हे पवित्र आत्मा आप आए थैंक यू धन्यवाद के नाम में Have a wonderful, great day, my dear friends। मेरे प्रिय मित्र एक अद्भुत दिन आपका बीते हमेन Amen।, Amen.